लैंड जिहाद के मुद्दे पर ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर चुकी धामी सरकार अब प्रदेश की एक एक इंच जमीन का हिसाब जुटाने में लग गई है। इसी कड़ी में प्रदेश भर में अवैध कब्जों पर कार्यवाही का सिलसिला भी जारी है। इसके लिए धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का काम जून 2023 के अंत तक पूरा हो जाएगा। अभी तक राज्य में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर वन विभाग अवैध धार्मिक संरचनाओं पर बुलडोजर चला रहा है। बीते 3 महीनों में 330 अधिक ऐसे धार्मिक स्थल ध्वस्त किए गए। इस बीच बिजरानी रेंज आमडंडा बीट के फूलताल ब्लॉक स्थित थपली बाबा मजार को भी जमीन दोज कर दिया गया। इससे नाराज स्थानीय लोगों ने यहां जमकर हंगामा किया। खैर, पुलिस ने किसी तरह लोगों का गुस्सा शांत करवाया। बता दें, पूरे प्रदेश में वन भूमि पर खड़े पैमाने पर धार्मिक स्थलों और अन्य गतिविधियों के नाम पर अतिक्रमण किया गया है। रिजर्व फॉरेस्ट तक में मजार आदि बनाकर जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसे मजार जिहाद कहते हुए पहले ही सख्ती कर चुके हैं। उन्होंने जंगल की जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ अभियान चलाने के सख्त निर्देश दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ साफ ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा था, देवभूमि उत्तराखंड में करेंगे अवैध मजारों को ध्वस्त। ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अतिक्रमण करना दूर, इसके बारे में भी कोई सोचे भी ना। हालांकि सरकार ने यह भी कहा था कि अवैध कब्जे करने वाले लोग स्वयं ही इन स्थलों को हटा ले, अन्यथा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। भाइयों बहनों, इस प्रदेश के अंदर 1000 से भी ज्यादा स्थान ऐसे निकले जो अनावश्यक रूप से, जो अभी हमने चिन्हित किया है कि जगह जगह पर कहीं पर मजार बना दी गई है, कहीं पर कुछ और बना दिया है, लेकिन उसके नीचे खोजा जा रहा है तो कोई अवशेष नहीं मिल रहे। हमने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम यहाँ जबरन रूप से कहीं पर कब्जा भी नहीं होने देंगे, कहीं पर लैंड जिहाद को भी आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि हम कानून पर विश्वास रखने वाले हैं। हम किसी का नुकसान करने के लिए कोई काम नहीं करने वाले, लेकिन हम किसी का तुष्टिकरण भी नहीं होने देंगे। तुष्टिकरण पर भी हम जो है कठोरता से लगाम लगाने का काम करेंगे।